खाडुंगला जाने के लिए चेक पोस्ट पर रुके हैं। पुलिस पीपल आर नॉट अलाउिंग अथॉरिटीज बिकॉज खाडुंगला पे हैवी स्नोफॉल है एंड दो दिन से द अदर साइड ऑफ खाडुंगला नूबरा एंड ऑल वहाँ पर भी बहुत सारे व्हीकल्स फंसे हुए हैं। रेस्टोरेंट खोजने के लिए घूमने में कितना टाइम निकल जाता है कि नहीं? इसके साथ फोटो लेना आ रहा है होटल के साथ आएंगे ना वापस साफ करते 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 वो कर देंगे। मेन खाडुंगला का है, गोइंग थ्रू खाडुंगला ना, तो अगर कोई अथॉरिटीज रोकती हैं रुक जाओ और नीचे आ जाओ भाई, बिकॉज ऊपर जाकर रुकोगे तो सांस का प्रॉब्लम होगा। सर अभी जा सकते हैं? सर अभी जा सकते हैं कि रोड बंद है तो ये वेट कर लें? आज नहीं खुलेगा? तो वो पता सुनने में आया था कि 9:30 से वो बर्फ हटाना शुरू करेंगे। अच्छा पुलिस वालों को अपडेट रहेगा ना क्या हो रहा है वहाँ पे, उनसे एक बार पूछ के वापस आ जाए। हम पूछ के वापस आ जाते। बोल रहे हैं यहाँ पे, बोले हमें सोचा आपसे एक बार कंफर्म कर लें। हाँ बस जब वो लोग छोड़ेंगे तब रुकेंगे, जाके फिर उतर के तब तुम पता करना सीन है। हम लोग ले के होटल से चेकआउट कर चुके हैं, खाडुंगला जाने के लिए चेक पोस्ट पर रुके हैं। पुलिस पीपल आर नॉट अलाउिंग अथॉरिटीज बिकॉज खाडुंगला पे हैवी स्नोफॉल है एंड दो दिन से द अदर साइड ऑफ खाडुंगला नूबरा एंड ऑल वहाँ पे भी बहुत सारे व्हीकल्स फंसे हुए हैं। सो वंस ओपन होगा, स्नो क्लियर होगा और थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है वो सब क्लियर होगा तभी व्हीकल्स का मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। उसमें भी चांसेस ये हैं कि फर्स्ट जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस बुलाएंगे, देन हम लोग छोड़ेंगे बिकॉज इट इज़ अ सिंगल वन लेन वाला रोड है, तो दो तरफ से ट्रैफिक आएगी तो बीच में फंस जाएगी, तो इट विल बी नो वे, दोनों फंस जाएंगे। तो पहले उधर की ट्रैफिक को छोड़ेंगे, प्लान तो वही है। तो वी हैव नथिंग टू डू बट वेट, अभी चेक पोस्ट पर वेट कर रहे हैं। अगर अथॉरिटीज का अलाउ करते हैं तो we will leave from here towards Khadungla to Nubra. अगर नहीं होता है तो can't help it, we have to go back to Leh, find a stay there and give it a shot for one more day. Luck try करो. So one more day के लिए luck try करो. Yes. अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो we have to skip both Nubra and Pangong and we have to come back. And secondly, as Dalai Lama is coming to Leh. तो उसके वजह से इट्स व्हाट 10th जुलाई ही इज कमिंग टू ले, रुको बोलने दो, तो उसके वजह से द अदर साइड ऑफ ले इट इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड कि व्हीकल मूवमेंट स्टॉप कर दिया गया है। तो आई डोंट नो, टेक्निकली जुलाई इज द राइट टाइम टू विजिट लद्दाख, ले रीजन इज द बेस्ट हियर। अब पता नहीं इतना अचानक से इतना बारिश क्यों हो रहा है, इवन द लोकल्स आर शॉक्ड क्योंकि इतना बारिश नहीं होता है। ऑल ग्लोबल वार्मिंग। हाँ तो ग्लोबल वार्मिंग डेफिनेटली आई वुड अग्री विद देम बिकॉज मैं 5 साल पहले आया था तो यहाँ पे इतना कचरा नहीं फैला होता था, नाउ लिटरली आई कैन सी प्लास्टिक एवरीवेयर इन द माउंटेंस, वेरी बैड। इवन आई हैव सीन सो मच प्लास्टिक बॉटल्स एंड ऑल्स, इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि लोगों को मन कैसे कर देता है इतनी अच्छी जगह पे फेंकने का, इतना साफ सुथरी जगह पे फेंकने के लिए प्लास्टिक बॉटल्स। वी आर ट्रैवलिंग विद अ किड, वी आल्सो हैव लॉट ऑफ गार्बेज एंड इसका तो डायपर निकलते रहता है, हम लोग एक्स्ट्रा गार्बेज बैग कैरी किए हैं और जहाँ जहाँ डस्टबिन दिखते हैं हम लोग जाके वहाँ फेंकते हैं, और फ्यूल स्टेशन के वहाँ पे डस्टबिन होते हैं या फिर सिटी के एंट्रेंस पे डस्टबिन होते हैं, परमिशन लेके वहाँ के लोगों का फेंक देते हैं, बट यू शुड नॉट थ्रो बॉटल्स हियर एंड देयर, वो खराब ही करेगा अल्टीमेटली नेचर को। लेट्स सी क्या होता है, वी विल बी वेटिंग फॉर रफली 1 or 2 आवर्स हियर, आई हैव नथिंग टू डू बट वेट। अरे
होप फॉर द बेस्ट कि रोड्स खुल जाए और सेफली ट्रैवल करें, सेफली जाके सेफली वापस आ जाए एंड हिट बैक टू दिल्ली। एंड जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि प्लान ए एंड प्लान बी, सो अभी भी हम लोग ये थे कि अगर आज हो जाता है तो वी वुड इम्प्लीमेंट प्लान ए इटसेल्फ, लेकिन अभी लग नहीं रहा कि प्लान ए भी हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, वी हैव टू स्टिक टू प्लान बी नाउ, देखते हैं क्या होता है। अरे मम्मा को फोकस हो रहा है क्या? वो मम्मा पे फोकस हो रहा है क्या? मम्मा पे फोकस, जाओ जाके इसके मुंह पे फोकस करो, पता है ना कैसे करना है? रुको सीधा हो, उसको मत हिलाओ, मैं कैलिब्रेट कर चुका हूँ। काम करो, वीडियो स्टॉप करो। आप बोलो घर नहीं जाने को बोलेंगे, नहीं जाएंगे क्योंकि हम दूर से आए हैं, हमको नहीं पता यहाँ का क्या सिचुएशन है। सर हम भी आपकी सेफ्टी के लिए ना बोलते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप मना करो तो मैं नहीं जाऊँगा। काम करते हैं, जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम वगैरह फोटो खिंचवाने खिंचवा लेते हैं, हाँ। लंच कर लेते हैं, जाना है होटल का। दे आस्क नॉट टू वेट आल्सो, बोल दे वेट टू कर दे। अब क्या हाल है? मना कर दिया, पीछे भेज दिया, उधर से वापस भेज दिया। कहां से वापस आए आप लोग? यहीं पे चेकपोस्ट पे खड़े थे, आधा किलोमीटर जो है ना पुलिस वाले, ये वाला बोल रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिला कि वेट भी करने के लिए मना करो, वेट करने से मना कर दिया। बारिश तो खत्म ही हो गया है, ऊपर ऊपर है ना, टॉप पे आ गया, टॉप पे आता है ना बारिश, अभी तो भी नहीं होगा, चेन है नहीं, चेन नहीं है, स्नो जींस नहीं। अभी तो वैसे एक बज गया, अभी जाने का मतलब नहीं, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा रास्ते में एक दो घंटे ऐसे ही, नहीं मतलब नहीं, निकलना कल सुबह निकलेंगे। अगर जब है रिस्क इतना है तो क्यों हम शाम को भी रिस्क लेना, 5 घंटे कम नहीं होते हैं, कल ही निकलेंगे। बेंगलोर हाँ रहनी हो? हाँ बेंगलोर रहनी हम तो यलांका सुपर इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हाँ, तुम्हारे बिट्टील बा मेले इल्ल रे अल्ले वेट ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರಿಗೂ ನಿನ್ನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಹೌದು ನೋಡಿದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 5 hours ಇದು ಜರ್ನಿ ನೂಬ್ರಾ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನೂಬ್ರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 o'clock ಆಯ್ತು ಈಗ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋದೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು booking.com ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಹೋಗೋದು ವೇಸ್ಟು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬರೀ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೂಟ್ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಶ್ರೀನಗರ್ ಹ್ಞೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮನಾಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಕಡೆ ಬಂದ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೋನ್ಮಾರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮನಾಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅದು ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ವಾ ಈಗ ಇವತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಲ್ಲ बोला कि मुझे अपडेट मिल गया सर जो आपने बोला इसी के अभी 3 बजे से मोमेंट स्टार्ट करेंगे बट मोमेंट पहले उधर जो स्टक लोग स्टक हुए हैं उन लोगों का होगा तो मैं जनरली किसी को 2:30 के बाद उधर के लिए ट्रैवल में सजेस्ट नहीं करूंगा सो बेस्ट इज यू कम बैक कुछ करना है करो आपका रूम रेडी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है रेडी मनाली की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल मत जाना रोड ही नहीं क्या करो वापस ऐसे जाओ अब तो कर लो यार बहुत सारे प्रेयर व्हील्स सो इनको यू कैन डू दिस कुछ लोग बोलने हैं इट इज बेसिकली बुद्धिज्म का है ये तो इसको घुमाने से ही बोलते हैं कि आपको विजडम आती है एंड नेगेटिविटीज दूर होते हैं इन योर लाइफ तो कोई स्पेसिफिक नहीं इफ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट वेदर यू आर ऑफ एनी रिलीजन इट इज टोटली अप टू योर बिलीफ बड़ा वाला अभी अंदर शायद बंद है सो आई बी जस्ट डूइंग दिस स्मॉल स्मॉल वन सो इस तरह के प्रेयर व्हील्स यू विल फाइंड इन ले मतलब हर रोड पे कहीं भी मिल जाएगा बहुत फ्रीक्वेंटली आप देख सकते हो सो यू जस्ट वांट टू हैव एक्सपीरियंस यू कैन डू दिस इट इज टोटली अप टू बिलीव पॉजिटिविटी नेगेटिविटी ये आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है सो आई वांटेड टू डू इट सो आई डिड दैट कॉल किया पता तुझे क्या इतना अच्छा ब्यूटीफुल फोटो कैसे ना मैसेज की है कॉल की है यार उसको इतना है हम लोगों से इमोशनल कनेक्ट करना है ना रिलैक्स होकर के अच्छे से एक्सप्लोर करना है
need at least 25 days minimum. ये लोग घरों में तो साफ कर रहे हैं यार, वाले लोग ये सब लोग बाहर फेंकेंगे क्या? देखो है तो ही आगे चलो अंदर घुसो, अंदर भी तो अच्छा, अंदर तो पकेंगे, अच्छा भी लग रहा है धीरे सा दोनों रेड रेड हो आप क्या करना? मैं बोलता दो बोल के लेके चलाया था, जानते हो ये पीछे करना ना हमको कभी ना, बर्ड देखो, बर्ड देखो लेफ्ट साइड में देखते रहना, बर्ड आएगी पानीपुरी, टेक अ फोटो ईटिंग पानीपुरी इन हिमालयस पे। ओह यार कैन डू दैट, है ना? यू नेक्स्ट थिंग ना, यस, उधर वाला पानीपुरी है, हां नेक्स्ट वाला इज पानीपुरी। Good job.